अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में होने वाली पूजा अर्चना में अक्षत यानी चावलों का इस्तेमाल जरूर होता है। बता दें कि ज्योतिष और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अक्षत का अर्थ होता है कि जो टूटा ना हो। ज्योतिष के अनुसार पूजन के दौरान गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम के बाद अक्षत यानी कि चावल चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि अगर पूजा में अक्षत का प्रयोग ना किया जाए तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन आप में से कभी किसी ने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों चावल का हर तरह की पूजा में होना अनिवार्य माना जाता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान को अक्षत यानी चावल भेंट करना ही भाव प्रकट करता है कि जिस तरह हमने आपको पूर्ण चावल अर्पित किया है, आप हमारे सत्कर्मों का पूरी तरह से फल प्रदान करें। कहा जाता है कि चावल व्यक्ति की दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तु है, जिनका जितना प्रयोग घर की रसोई में होता है उतना ही घर की पूजा में होना अनिवार्य है। ज्योतिष शास्त्र में अक्षत यानी चावल को श्रेष्ठ माना गया है। बता दें कि इसे देव अन्न भी कहते हैं, मतलब देवताओं का प्रिय अन्न चावल। हिंदू धर्म में पूजा के दौरान चावल चढ़ाने का विशेष महत्व ये है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे अर्पित किए बिना जो कोई अन्न और धन का प्रयोग करता है वह अन्न और धन चोरी का माना जाता है। चावल यानी अक्षत को शुद्ध अनाज माना जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि चावल धान के अंदर बंद होता है जिसे पशु पक्षी जूठा नहीं कर पाते। एक और मान्यता यह भी है कि प्रकृति में सबसे पहला चावल की खेती ही की गई थी। उस समय लोग भगवान को अक्षत अर्पित करते थे। ये परंपरा आज भी चली आ रही है। मानता है कि यदि पूजा में कोई सामग्री ना हो तो चावल उसकी कमी पूरी कर देता है। लेकिन हाँ, भगवान की पूजा के समय हमेशा साबुत चावल ही प्रयोग में लेना चाहिए। चाहे शंकर भगवान की पूजा हो या किसी भी भगवान की पूजा हो, हमेशा चावल को साबुत ही चढ़ाना चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि टूटे चावल भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि अक्षत को सभी अन्न में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप किसी भी भगवान को टूटा चावल यानी वही अक्षत टूटा चढ़ाएंगे तो ये आपके दुर्भाग्य को आने का संकेत देता है। दोस्तों, अब हम अक्षत के चमत्कारी उपायों को भी जान लेते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हर दिन अक्षत का तिलक लगाएं। इससे व्यक्ति के जीवन की दरिद्रता भी दूर होती है। दोस्तों, जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उन्हें मानसिक चिंता, डिप्रेशन, नींद कम आना, नेत्र रोग, उदर रोग यानी कि पेट रोग अधिक होता है। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन शिव मंदिर में आधा किलो चावल ले जाएं और शिवलिंग पर एक एक मुट्ठी चावल अर्पित कर दें। बाकी बचे हुए चावल को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। यह उपाय 5 सोमवार को करने से धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि चावल टूटा हुआ ना हो। वहीं शुक्रवार को लक्ष्मी माँ को चावल की खीर का भोग लगाने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है या आप सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खाएं। इससे सूर्यदेव सुफल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इतना महत्व होता है हमारी पूजन में अक्षत यानी चावल का।